हे गाइस, तो इस वीडियो में हम पांच फैक्ट्स की बात करेंगे वन प्लस नाइन की, जो आपको जानना बहुत जरूरी है वन प्लस नाइन लेने से पहले। और उसमें दो फैक्ट ऐसे हैं जो खासकर इंडियन ऑडियंस को टारगेट करे गए हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अगर जो भी आपका फ्रेंड लेने की सोच रहा ना उसे पक्का दिखाना ताकि उसे इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि कोई भी यूट्यूबर ना इसके बारे में बात नहीं कर रहा। बस मैंने एक यूट्यूबर देखा है, गीक रंजीत जी, जिन्होंने इसके बारे में बात की है। और ह्यूज रिस्पेक्ट टू देम कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि ब्रांड क्या सोचेगा, उन्होंने आपको सच्चाई बताई है। इस वीडियो में हम सेम करेंगे, आपको एकदम सच्चाई बताएंगे जो आपको जानना चाहिए। तो हम पहली चीज़ की बात करते हैं जो खासकर इंडियन ऑडियंस को टारगेट की गई है, जो कि है OnePlus ने आपको इसमें वायरलेस चार्जिंग फीचर नहीं दिया है। अगर आपने इवेंट देखा होगा तो OnePlus ने बहुत हाइप क्रिएट की थी कि इनका वायरलेस चार्जिंग बहुत ज़्यादा फास्ट है। बट जब ये मॉडल इंडिया में आया, अगर आप इंडियन वेबसाइट देखोगे और इसे कंपेयर करोगे US की वेबसाइट से, तो आप देखोगे वो कॉलम एकदम खाली है। खाली क्यों है? क्योंकि इंडिया में वो फीचर उन्होंने डिसेबल किया है। अब यहाँ पर पर्सनली मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं सोच पा रहा हूँ ये क्यों OnePlus ने स्टेप लिया। अब मैं अगर OnePlus की सोचूँ, उन्होंने क्या सोचा होगा? इनका जो वायरलेस फास्ट चार्जर है वो 4000 रुपीज़ का आता है, तो OnePlus ये सोच के चल रहा है कि इंडियन 4000 का चार्जर अफोर्ड नहीं कर पाते। अब मेरे हिसाब से कोई 50000 का फोन लेता है ना तो एक वायरलेस चार्जर अफोर्ड कर सकता है, तो OnePlus को ये फीचर देना चाहिए था। क्योंकि एक डिस्क्रिमिनेशन सा हो गया कि मतलब इतनी सारी कंपनीज इंडिया में फोकस कर रही है क्योंकि इतना बड़ा मोबाइल मार्केट है, और OnePlus इंडिया को कंसीडर ही नहीं कर रहा है कि मतलब वो फीचर हटाकर दे रहा है इंडिया में। तो इससे मैं बहुत मतलब डिसअपॉइंटेड हूँ कि OnePlus को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब अगर OnePlus 9 की हम प्राइसिंग की बात करें तो अमेरिकन प्राइसिंग में अगर कन्वर्ट करोगे तो 54000 का पड़ेगा, और इंडिया में देख लो तो 50000 का पड़ रहा है। माना ये 4000 रुपये का फर्क है। बट ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ कि आप प्राइस कम कर रहे हो तो आप फीचर कट करके दोगे। आप प्राइस कर देते उतना लोग तभी भी लेते अगर लेना होता। अगर आप अपना फ़ोन ऐसा फ्लैगशिप सेल कर रहे हो तो उसमें बेसिक फीचर वायरलेस चार्जिंग देने ही पड़ेंगे। आप कोई रीज़न नहीं दे सकते कि हम इसे सस्ता बेच रहे हैं इंडिया में तो इसे हम फीचर हटा देंगे। तो मेरे हिसाब से OnePlus को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो, ये तो एक फैक्ट रहा जो मैंने बताया इंडिया को टारगेट करके किया था OnePlus ने। अब सेकंड फैक्ट की बात करते हैं, जो कि है 5G को लेकर। आपने हर जगह देखा होगा OnePlus ने कहा हमारा फोन 5G है, 5G है, 5G है। बट जब आप इसके वेबसाइट में जाओगे, इंडियन वेबसाइट में, तो आप बैंड चेक करोगे ना, बस दो बैंड है। इस फोन की वैल्यू है 50000, एंड कैसे जस्टिफाई कर रहा है OnePlus की बस दो बैंड देकर। अब हम साइड बाय साइड देखते हैं अमेरिकन वेबसाइट में, तो यहाँ सारे 5G बैंड आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप यहाँ एक पॉइंट रख सकते हो कि अमेरिका में 5G आ चुका है, इंडिया में आने वाला है, इंडिया में इतना कोई टाइम नहीं लगने वाला। और हमारे देश में कोई फ्लैगशिप खरीदता है ना, मतलब इतना अमाउंट खर्च करता है फोन पे, तो वो सोचता है कि मैं 3 साल तो एटलीस्ट यूज कर लूँ, तो 3 साल में मेरे हिसाब से 5G इंडिया में कंफर्म आ जाएगा। और अगर आपने इतना अमाउंट खर्चा है ना तो आपको 5G मिलना चाहिए, सारे बैंड्स मिलने चाहिए। ऐसा क्यों है कि अमेरिका में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? अगर हर जगह नहीं देते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि वो पूरे वर्ल्ड में नहीं दे रहे हैं, बट वहाँ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फिर से किया है। इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ OnePlus से। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, चीपेस्ट 5G फोन इंडिया में कौन सा है? नार्जो 30 प्रो। उसमें भी आपको 4 बैंड देखने को मिलते हैं और उसमें 2, तो यहाँ देख सकते हो कितनी गलत बात है ये। और मुझे एक बात समझ नहीं आता, इतने सारे यूट्यूबर इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे कर लेते हैं? वो बोलते हैं हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब भाई तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ेगा? तुम हर महीने मोबाइल बदलोगे, तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ेगा? तुम वैसे भी आईफोन और सैमसंग यूज़ करने वाले हो तो उसमें सारे बैंड्स मिलेंगे आपको, तो ये बोलता है फर्क नहीं पड़ता। तुझे काफ़ी यूट्यूबर्स हैं ना जो रिव्यू दे रहे हैं आजकल, मुझे काफ़ी बायस लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये मतलब मेन फीचर से बताते नहीं हैं और जो सेकेंडरी चीज़ें होती हैं उसे हाईलाइट करते रहते हैं, तो अब मैं ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है कुछ यूट्यूबर्स पे। तो ये जो तो फैक्ट्स हैं ना, ये इंडियन स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं जो इंडियन मार्केट को देख कर थे। अब एक जनरल फैक्ट बताता हूँ जो इसमें प्रॉब्लम्स हैं। इसमें पहली प्रॉब्लम बताता हूँ मैं आपको, इसमें OIS नहीं है। अब इतनी सरप्राइजिंग बात है जो उनका 9 आ रहा है ना, तो है 40000 का, मतलब 10000 लेस खर्च करके आपको OIS मिल रहा है और 10000 ज़्यादा खर्च करके आपको OIS नहीं मिल रहा है, मतलब ये डाउनग्रेड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितनी प्रॉब्लम है, मतलब ये सस्ते फ़ोन में फीचर दे रहे हैं, महंगे फ़ोन में नहीं दे रहे हैं। अब एक बात और सरप्राइजिंग है, OnePlus के जितने भी सब फ़ोन आया ना, सब में मोस्टली आपको OIS मिला है, अब 9 में नहीं मिल रहा है। अब OnePlus पता नहीं कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पे कि ये फीचर्स कट कर रहा है। और अगर आपको OIS नहीं पता होता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जिसमें आपकी इमेज स्टेबलाइजेशन के लिए सेंसर थोड़ा हिलता है और आपकी फुटेज होते काफ़ी स्टेबल आती है, तो इसमें ये नहीं है और ये मुझे बहुत बेकार बात लगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं अपने फोर्थ फैक्ट की, जो कि कैमरा से रिलेटेड ही है। आपको पता है OnePlus ने जितनी भी हाइप क्रिएट की है, Hasselblad के साथ पार्टनरशिप किया हमने, अपना कैमरा बहुत इंप्रूव किया है, अल्ट्रा वाइड बहुत इंप्रूव्ड है। पहली बात, इनके जो फोटोज़ हैं वो एवरेज फोटोज़ हैं, फ्लैगशिप फोटोज़ नहीं हैं, आईफोन और सैमसंग के सामने नहीं टिक पा रहा है। दूसरी बात, आप इसे कैमरे को ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसमें हीटिंग इशू आ रहा है, इतना हीटिंग इशू है कि ये बोल रहा है ऐप को क्लोज करो। अब कई यूट्यूबर्स बोल रहे हैं आप जी कैम डाल के ऐप यूज़ कर सकते हो तभी भी, अब ये कोई सेंस नहीं बनता कि मैं एक फ्लैगशिप फ़ोन में जी कैम डाल के उसकी ऐप को यूज़ करूँ।
तो ये बहुत बड़ा इशू है, इसे सॉफ्टवेयर के साथ ऑप्टिमाइज करना चाहिए। अब एक आपको बात बताऊँ, ये इशू 9R में नहीं है। अब मेरे हिसाब से 9R में जो प्रोसेसर है वो 870 यूज़ हो रहा है, वो इतना हीट डिसिपेट नहीं कर रहा है, बट जो 9 में ना वो ट्रिपल एट यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है ट्रिपल एट 20 प्रोसेसर है, वो हीट भी उतनी जनरेट करता है। इस फ़ोन में बहुत ज़्यादा हीटिंग इशू है, अगर आपने रिव्यू देखेंगे ऑनलाइन हर जगह एक ही बात है, ये फ़ोन हीट बहुत ज़्यादा कर रहा है। इसका जो साइड फ्रेम है वो इतना अनकंफर्टेबल हो जा रहा है, वो बोल रहा है कवर लगाकर यूज़ कर लो, बट क्यों करूँ मैं कवर लगाकर यूज़, मुझे हीटिंग इशू नहीं चाहिए अपने फ़ोन में जब मैं 50,000 रुपीज़ खर्च कर रहा हूँ उस पर। तो ये कैमरा में मुझे दो इशू मिले, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगा, मतलब इतने पैसे खर्च करने के बाद भी आपको एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, जब स्पेशली OnePlus ने अपनी पूरी मार्केटिंग कैमरे से रिलेटेड की थी। अब यहाँ पे हम फिफ्थ फैक्ट की बात करते हैं, जो कि आपको इसमें देखने को मिला प्लास्टिक फ्रेम। अब ये भी 9R से डाउनग्रेड है। अगर आप 9 में देखोगे आपको एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिल रहा है, और इसमें आपको देखने को मिल रहा है प्लास्टिक फ्रेम। तो आप 10,000 ज़्यादा खर्च करके अपना फ़ोन डाउनग्रेड कर रहे हो, तो काफ़ी बेकार बात रही OnePlus की। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आएगी, मतलब क्या लॉजिक था इनका डिसीजन लेने से पहले कि उन्होंने प्लास्टिक फ्रेम दिया इसमें। अब आप अगर 50,000 खर्च कर रहे हो तो मेरे तरफ से आप डिजर्व करते हो कि आपको मेटेरियल फ्रेम मिले, क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और टच करने पर ज़्यादा प्रीमियम लगता है फ़ोन। अब प्लास्टिक फ्रेम यूज़ करने में ऐसा कोई खासम खास नुकसान नहीं है, बट जो प्रीमियमनेस आती है ना मेटेरियल फ्रेम में, वो 50,000 के फ़ोन में आनी चाहिए, उसमें नहीं आएगी आपको। तो एंड में मैं कंक्लूजन की बात करूँ ना, तो पूरी सीरीज़ में अगर कंक्लूड करूँ आपको, तो आपको पूरी सीरीज़ में बस दो ही बैंड देखने को मिल रहे हैं। अगर आप प्रो मॉडल भी देखोगे ना तो 5G के बस दो ही बैंड है, तो बैंड का इश्यू तो आपको हर समय रहेगा इस पूरी सीरीज़ में। और जो प्रो मॉडल है ना उसमें आपको मेटेलिक फ्रेम और वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल रही है, OIS भी है। तो आपको अगर 15,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने हैं तो आप कर सकते हो OnePlus के। और जो कैमरा परफॉर्मेंस है ना वो आपको सिमिलर देखने को मिल रही है, हीटिंग इश्यूज उसमें भी हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ आपको हीटिंग इश्यू देखने को मिलेंगे, आप उसको इग्नोर कर सकते हो या वेट कर सकते हो सॉफ्टवेयर अपडेट का, तो आप कर लेना। बट मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको 9R रहेगा। बट उसमें बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं एक्चुअली, वो सेम टू सेम कॉपी है 8T का, बस उसमें प्रोसेसर चेंज कर दिया है 870। तो आप अगर 8T लोगे और आप ये लोगे 9R, तो ये बेसिकली सेम फ़ोन ही है, बस प्रोसेसर का डिफरेंस है, बट वैल्यू फॉर मनी भी आपको यही मिल रहा है। अगर आपको पूरी सीरीज में कोई फ़ोन लेना हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 9R लो, आप खुश रहोगे। 9 लोगे तो आप जो मैंने आपको दिक्कतें बताई ना वो आप फेस करोगे और आप परेशान रहोगे। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए, अगर आपको मेरी ऑनेस्टी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर से करना, क्योंकि जो फैक्ट मैंने इंडियन सेंट्रिक बताया ना, मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों और पता लगे लोगों को कि क्या चल रहा है मार्केट में, कि कैसे ट्रीट करा जा रहा है इंडिया को OnePlus के द्वारा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि हम ऐसा ऑसम कंटेंट लाते रहते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जय हिंद। तो दोस्तों स्क्रीन में इस समय आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो दिख रही होगी, आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हो। उससे नीचे आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आपको एक रिकमेंडेड वीडियो होगी, आपको वो देखने तो वो देख सकते हो। और सबसे लास्ट में यहाँ सब्सक्राइब बटन होगा, आपको सब्सक्राइब करना है तो यहाँ इजीली आप सब्सक्राइब कर सकते हो।